नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद पिछले दो साल में चुनावी घोषणा पत्र के 36 में से 24 वादे पूरे हो चुके हैं, लेकिन शराबबंदी का अहम वादा कब पूरा होगा इस पर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। सरकार का तर्क है कि नोटबंदी की तरह आनन फानन में शराबबंदी लागू किए जाने के नुकसान बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार सोच समझकर ही शराबबंदी पर कोई फैसला लेगी। आखिर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का क्या मॉडल हो और शराबबंदी का क्या समाधान है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। शराब की खपत के मामले में अव्वल स्थान पर काबिज छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी का कौन सा मॉडल लागू हो, इस बात पर जमकर विचार मंथन चल रहा है, क्योंकि देश में जिन राज्यों में शराबबंदी लागू किया गया है वहां पर इसके नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे हैं। हाल ही में स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने बिहार राज्य में शराबबंदी की स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि इसके नकारात्मक परिणाम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। शराबबंदी के चार साल बाद बिहार में ना तो अपराध का ग्राफ गिरा है, ना ही महिला प्रताड़ना के मामलों में कमी आई है। शराब की तस्करी आम बात है और वहाँ के युवा बड़े पैमाने पर शराब तस्करी में सक्रिय हो गए हैं। घटिया शराब की सप्लाई हो रही है। जहाँ पर आवागाही है, सड़क है, वहीं पर एसएसबी के जवान यहाँ डिप्लॉयड है, बाकी तो खुली बॉर्डर है। तो नेपाल में तो चूंकि शराबबंदी है नहीं, और बिहार में नेपाल से जो सटा बॉर्डर है बिहार में शराबबंदी है, तो यहाँ बड़े पैमाने पर नेपाल से शराब का तस्करी होता है। और बिहार में आकर के चूंकि वहाँ पुलिस प्रशासन इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, या फिर ये कहे कि ये कानून इतने अव्यवहारिक हो गए हैं कि अगर शराबबंदी को रोकना होगा तो पूरे बिहार की मशीनरी को, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को, पूरी पुलिस व्यवस्था को सिर्फ शराबबंदी पर ही लगाना होगा, तभी यह कानून जाकर के सक्सेस होता है। क्योंकि लोगों को प्रशासन का, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, खुलेआम लोग ले जाते हैं और घर घर डिलीवरी अब हो रहा है, लोग फोन करते हैं और उनके घर पर लोग जाकर के। सर, शराब कैसे आती है यहाँ पर? दुकान भी है पास बॉर्डर? जी जी, खुले बॉर्डर से आती है। जैसे ये सड़क है यहाँ, तो इस रास्ते से नहीं आएगी, जहाँ पर एसएसबी नहीं है उस रास्ते से चलाता है। इस तरह से खुलेआम जो है सो नेपाल से यहाँ बिहार में प्रवेश कर जाता है। एक चीज और कि शराब की दुकान भी नेपाल में है ना? जी जी। कहाँ पे? पहले तो बॉर्डर से सटा हुआ करता था, लेकिन भारत और नेपाल सरकार के सहमति से, बिहार सरकार के अनुशंसा पर अब ये बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर चला गया है। वहाँ से लोग आते हैं? तो वहाँ से लोग यहाँ पर बॉर्डर तक पहुँचा देते हैं। तो जहाँ चाहे वहाँ शराब? जी जी, जहाँ चाहे वहाँ शराब। रेट का क्या असर होता है? रेट के बारे में तो हम पूरी बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लोग जैसा बताते हैं कि घटिया क्वालिटी और रेट ज्यादा, इस तरह से यहाँ तस्करी हो रही है। जानकार मानते हैं कि बिहार में बिना अध्ययन के शराबबंदी लागू किए जाने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। बिहार की नीतियों में कई खामियां हैं जिसके चलते शराबबंदी का उद्देश्य वहां सफल नहीं हो पाया। इससे पहले भी देश के जितने राज्यों में शराबबंदी लागू की गई, वहां दोबारा शराब की बिक्री शुरू हो गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पहला प्रश्न यह है कि शराबबंदी बंद करने से क्या वास्तव में शराबबंदी हो जाएगी? क्या पेपर में बंद रहेगी लेकिन क्या पीछे से क्या शराब की तस्करी नहीं होगी? तो अगर शराब की तस्करी रोकना है, शराब की बिक्री रोकना है, शराब के नुकसान को ध्यान रखकर कार्रवाई करना है, तो सामाजिक स्तर पर भी इस पर एक दबाव बनना चाहिए कि शराबबंदी की जाए। नियम है, तरीके हैं, बहनों को अधिकार है और गांव के लोग लिख करके देंगे तो शराब की दुकान बंद हो जाएगी। इस हमारी सरकार ने लगभग पहले 50 दुकानें बंद की, बाद में और दुकानें बंद की हैं, तो धीरे धीरे नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। अन्य राज्यों के कई अनुभव हमने देखे हैं। हरियाणा में शराबबंदी की गई थी, बाद में वहाँ लागू हुई। सरकार का तर्क है कि सरकार शराबबंदी के अपने वादे पर गंभीर है और राज्य में शराबबंदी लागू होकर रहेगी। कोरोना के विश्वव्यापी महामारी के चलते जरूर इस काम में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन स्थिति समान होते ही सरकार अपनी कमेटियों के सुझावों के जरिए इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
और इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद है स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल, और उनके साथ मौजूद है एक खास पैनल, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह है, भाजपा नेता विमल चोपड़ा है, आदिवासी नेता बीपीएस नेताम है और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विक्रम सिंगल है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और मनोज जी आपके पास आऊंगी। ओवर टू। नमस्कार जी, धन्यवाद अमनदीप। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शराबबंदी का जो वादा कांग्रेस सरकार ने किया था और दो साल बीत गए हैं और उसके बाद अभी तक ये वादा जो है वो अभी पूरा क्यों नहीं हुआ है। हालांकि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया था और अभी तीन साल का वक्त और है, लेकिन जैसा कि सभी को मालूम है कि शराबबंदी जो है एक सामाजिक समस्या है और इसको कैसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में पहले कई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जब आनंद फानन में शराबबंदी लागू की गई और बाद में उसका नतीजा जो है वो सिफर निकला और उसको दोबारा लागू करना पड़ा, जैसा कि हरियाणा का उदाहरण है, आंध्र प्रदेश का उदाहरण है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो बार बार यही कहती है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बार बार यही कहते हैं कि शराबबंदी के लिए सरकार बहुत गंभीर है, इसके लिए तीन तीन कमेटियां बनाई गई हैं, कमेटियां अपना अध्ययन कर रही हैं और उनके जो अध्ययन के निष्कर्ष होंगे और उनके जो सुझाव होंगे उसके मद्देनजर एक ठोस कानून बनाया जाएगा और उस कानून के आधार पर फैसला लिया जाएगा, उसके बाद शराबबंदी की जाएगी। सरकार बार बार दोहराती है कि शराबबंदी जो वादा है वो जरूर पूरा किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी हुई थी उस तरह से आनंद फानंद में कोई फैसला नहीं होगा। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आरपी सिंह साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सिंह साहब आप बताइए, दो साल सरकार के हो चुके हैं, शराबबंदी एक बड़ा एजेंडा रहा है सरकार का और ये सब अब पूछने लगे हैं कि आखिर शराबबंदी कब होगी। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शराबबंदी कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। अगर शराबबंदी करना किसी भी राज्य के लिए इतना आसान होता तो हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और 28 में से मात्र 4 राज्यों में शराबबंदी है, पहला गुजरात, दूसरा बिहार जहां 2016 में हुआ, नागालैंड और मिजोरम। तो 28 राज्यों में से सिर्फ 4 राज्यों में शराबबंदी है, 2 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं। गुजरात में मीडिया का माध्यम से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ये बताती है कि हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए की अवैध शराब वहां बिकती है। बिहार के बारे में कुछ ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, आपने पूरे प्रोग्राम में बिहार की जो सच्चाई है वो दिखाया। मैं खुद बिहार जो चुनाव हुए थे उसके पहले मैं गया था, वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिला था और उसके बाद जो आम जनता है उनसे भी मिला था, पत्रकारों से भी मिला था। ऐसा कोई गली मोहल्ला और होटल नहीं है जहां पर शराब की होम डिलीवरी नहीं होती हो। होता यह है कि एक युवा जो बेहतर अपना का भविष्य बना सकता है उसको छोड़कर वो रोज का 2-4-5 हजार रुपए कमाने के चक्कर में शराब के अवैध तस्करी में लिप्त हो जाता है। और एक अनुमान के तौर पर मुझे जो लोगों ने वहां बताया कि 2 से 2.5 लाख लोगों के ऊपर शराब को लेकर मामले दर्ज हो चुके हैं। मतलब वो युवा पीढ़ी जिसका भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता था उसका भविष्य अंधकार में हो गया है। अब मैं आता हूं छत्तीसगढ़ राज्य पे। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं हैं वो 7 राज्यों से घिरी हुई हैं और 7 राज्यों में किसी भी राज्य में शराबबंदी नहीं है। हमने जिस दिन अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था उस दिन भी हम जानते थे कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको शामिल किया था कि इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे और हमारी मंशा यही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को तो शराबबंदी के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं होना चाहिए। आज हम शराब की खपत में पूरे हिंदुस्तान नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 है त्रिपुरा। तो नंबर 1 इस राज्य को बनाया किसने? भाजपा ने। जो शराब यहां पर निजी व्यापारी निजी व्यवसायी बेचते थे उस शराब का सरकारीकरण कर दिया। और अगर शराब के पीछे आप इतनी दृढ़ता से खड़े हैं कि ये शराबबंदी होनी ही चाहिए, तो जब एक झटके में यहां जीएसटी लागू होगी पूरे देश में, पूरे देश में नोटबंदी लागू हो गई, पूरे देश में कोरोना काल में देशबंदी लागू होगी, तो शराबबंदी भी कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरोना काल में लगातार 55 दिन का लॉकडाउन लगा और उसके बाद शराब की दुकानें खुली, वो हमारी मर्जी से नहीं खुली थी, केंद्र सरकार की मर्जी से खुली थी। एपिडेमिक एक्ट आज भी लागू है,
आज भी जितने कोरोना से संबंधित फैसले होते हैं वो केंद्र सरकार लेती है, हमको उन फैसलों पर अमल करना हमारी बाध्यता है। तो जब वो 50-55 शराब दुकानें बंद थी हमारे राज्य की, तो हमने देखा हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से यहां शराब आती थी और भाजपा से जुड़े हुए लोग उसको बेचते थे। यहां अवैध शराब पकड़ाई जो वो कहां से आई, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। ये कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर खोजते हैं और फिर बाद में कहते हैं शराबबंदी। मुझे याद आता है कि रमन सिंह जी की कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि हम शराबबंदी करके रहेंगे चाहे चुनाव हार जाए। आपने क्यों शराबबंदी नहीं की? 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों में आपके और आपके सहयोगियों की सरकार है, आपने पिछले 6 साल में कहीं शराबबंदी की हो तो मुझे बता दीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उससे हमको मतलब नहीं है। सिंह साहब, हमको मतलब प्रदेश की जनता से हमने वादा किया है सिंह साहब, और हम धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी सिंह साहब, मैं ये कह रहा था कि क्या अब कब तक हम माने कि शराबबंदी लागू होगी, क्या क्या कमेटियां बनी हैं और क्या मॉडल आपको लगता है? देखिए मनोज जी, जैसा आपने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, शराब एक सामाजिक बुराई है। जब तक सामाजिक स्तर पर इसके खिलाफ एक चेतना पैदा नहीं होगी, कोई भी सरकार, हमारी सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, वो किसी भी राज्य में कभी भी शराबबंदी नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि 2800 से 2400 राज्यों में शराबबंदी नहीं है। अगर आप व्यवस्थी करके शराबबंदी करेंगे तो अंजाम वैसे ही होगा जैसे गुजरात में और बिहार में, एक नया माफिया खड़ा हो जाएगा और युवा उस गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा और युवाओं का भविष्य आप जो है अपने हाथों से बर्बाद कर देंगे। तो हम इसको लेकर बहुत हड़बड़ी में नहीं है। हमने 3 कमेटियां बनाई है और हमारा प्रयास है कि समाज के अंदर से आवाज उठे, सब मिलजुल के इसके लिए काम करें और हम शराबबंदी करके रहें। जी चलिए, डॉक्टर विमल चोपड़ा हाथ उठा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जब विधायक थे महासमुंद के, काफी शराब के विरोध में आप खड़े रहे, काफी आंदोलन आपने किया और बीच में आपने आरोप भी लगाया था कि जो शराब माफिया है वो आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं और उनसे आपकी जान को खतरा है। अब आपने चूंकि व्यवस्थित रूप से बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, क्या लगता है डॉक्टर साहब कि शराबबंदी करने की बात सरकार ने कही है और वो अभी भी उस बात पे कायम है, बावजूद इसके आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी पिछले आपने देखा कि करीब ये वाला साल जो 2020 है वो पूरा एक तरह से कोरोना और लॉकडाउन और इन तमाम चीजों में चला गया, तो सरकार को वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं आरपी सिंह साहब की बात सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के, लेकिन जैसा नकाब वो ओढ़ के आए हैं वो नकाब भी उनके चेहरे को छुपा नहीं पा रहा। जिस प्रकार से वो मुलम्मा चढ़ा करके शराबबंदी को ऐसा बताना चाहते हैं कि इससे कोई भला नहीं हो सकता, इससे बुरा है होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको ये लग रहा है कि शराबबंदी से ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी, तो आपने वादा क्यों किया? आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपके प्रवक्ता हो, चाहे वो सत्यनारायण शर्मा जी हो जिनकी बात सुन रहा था, चाहे मैं आपकी बात सुन रहा हूं, स्पष्ट लगता है कि आपकी कोई मंशा नहीं है कि शराबबंदी की जाए। आज आप इसलिए शराबबंदी नहीं कर रहे कि 24 राज्यों में शराबबंदी नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं कि शराब से जो ऊपरी इनकम हो रही है उसके कारण आप शराबबंदी नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि शराब को भारतीय जनता पार्टी ने शराब के लिए सबसे बड़ी खपत वाला राज्य बना दिया है। अरे 2 साल से आपकी सरकार है, क्या आप सो रहे हैं? आपने कहा शराब का सरकारीकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, 2 साल से आपने क्यों वो सरकारीकरण को खत्म नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि आपकी जेब गर्म हो रही है और कुछ नहीं है। आप बिहार का उदाहरण दे रहे हैं आरपी सिंह साहब, मैं बिहार गया हूं, मैंने 5 दिन बिहार का दौरा किया है। ये सब बातें जो है कि शराबबंदी से बिहार का बुरा हो रहा है, ये गलत है। मैं वहां बस आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी? नहीं डॉक्टर साहब, हमारी गली में गया, डॉक्टर साहब मोहल्ले, डॉक्टर साहब हमारी टीम वहां गई थी, बस्तियों में हमारी टीम गई थी, 15 दिन रह के आई है वहां पे।
आपकी किसकी टीम गई थी, किसकी टीम गई थी? स्वराज एक्सप्रेस की टीम गई थी और 15 दिन स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने सर्वे किया था और 15 दिन अलग अलग लोगों से बातचीत की और वहाँ की जमीनी हालात का जायजा लिया, लेकिन वहाँ पर बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं है शराबबंदी के। मैं बहुत नहीं है, कुछ तो है, चलिए 50% मानते हैं आप, तो छत्तीसगढ़ में भी 50% सकारात्मक परिणाम हो जाए। गुजरात की आप बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि गुजरात में शराब नहीं मिलती, शराब मिलती है, लेकिन लोगों का कहना है कि शराब पीकर घूमने पे इतना भारी जुर्माना है कि कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं आता, दुर्घटनाएं नहीं होती, शराब लोग पीते होंगे, मिलती होंगी, घर में रहते हैं। बिहार में भी मैंने 5 दिन दौरा किया है साहब, 5 दिन मैंने मजदूरों की बस्ती में मैं गया हूँ, गाँव में गया हूँ, शहरों की बस्तियों में गया हूँ। हालांकि शराब पिए हुए लोग कुछ मिले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना सकारात्मक परिणाम हुआ है। शराबबंदी वैसी होती है जैसी नीतीश कुमार ने किया, ये धीरे धीरे शराबबंदी, 50 दुकानें बंद कर रहे हैं हम। अरे पहले जब आप सत्ता में थे तब आप चिल्लाते थे विधानसभा में, आरपी सिंह साहब आप डिबेट में आके कहते थे कि शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हो, शराब बिक रही है। अरे भाजपा ने तो वादा नहीं किया था, आपने तो वादा किया है, और शराबबंदी होती है नीतीश कुमार जी जैसे कि जिन्होंने कहा और सत्ता में आते ही दूसरे दिन शराबबंदी की, और उसका परिणाम हमने देखा है। आप बहाने बना रहे हैं, लेकिन आप शराबबंदी करना नहीं चाहते हैं डॉक्टर साहब। हैं जी जी, शुरुआती परिणाम निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रहे, चाहे क्राइम के रिकॉर्ड देखें तो तत्काल जब शराबबंदी लागू हुई उस समय जरूर क्राइम में कमी आई, लेकिन आज 4 साल बाद देखें तो जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक वहां पर क्राइम का दर और बढ़ा है शराबबंदी तथा कथित जो लागू है उसके बाद। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ प्रताड़ना के मामले भी बढ़े हैं, युवा जो है वो शराब का जी। नहीं नहीं देखिए, एक ही चीज कहना है जी, आज आप आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूं कि महासमुंद के वेयर हाउस में अभी ये बोल रहे हैं ना कि शराब की सबसे ज्यादा खपत जो है वो छत्तीसगढ़ में है। मैं आपको इसका उदाहरण, महासमुंद के वेयर हाउस में वहां के मजदूरों को निकाला जा रहा है इसलिए कि यहां शराब कम आ रही है। पहले 50,000 पेटी आती थी, अब 10,000 पेटी आ रही है, इसलिए हमारे पास काम नहीं है। 40,000 पेटी कम, ये कहां से जा रही 40,000 पेटी? ये ऊपर से जीरो की शराब जो है शराब दुकानों में जा रही है और वहां से ऊपर से बिक रही है और उसका पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। ये इसलिए शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, ये पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहते थे सरकार शराब चला दुकान चलाएगी, और आज 2 साल हो गया, आप क्यों वही रीति नीति अपनाए हुए हैं? आपने क्यों नहीं उसको खत्म किया कि आप ठेका किया? इसलिए कि आपके जेब में जो पैसा चोपड़ा जी आपने बहुत सारी बातें कह दी, सुन लीजिए। आपने एक जो बड़ा आरोप अमन सिंह के ऊपर लगाया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा और आपकी सरकार शराबबंदी से नहीं कर रही है क्योंकि आपकी जेब गर्म हो रही है, मतलब राम जी अपने 15 साल के कार्यकाल में जेब गर्म करते रहे, ये आपने आज टेलीविजन पर कहा है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बात नंबर 2, जो 15 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसकी ये आप उम्मीद करें कि 2 साल हम ठीक कर दें तो हमारे उसकी जागरूक छड़ी तो नहीं। इस राज्य को छत्तीसगढ़ जो भाग रखा हुआ था उसको शराब रखा हुआ आप लोगों ने, और उसके बाद हमसे उम्मीद आपको, मुझे ये बताइए आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी शासित किस राज्य में शराबबंदी हुई? मध्य प्रदेश बाजू में आपको मालूम है? सुनिए, अरे गुजरात बोलिए, सुनिए मध्य प्रदेश बाजू में है, शासित राज्य है। अरे आप ही की पार्टी की सरकार है, महिला कर्मचारियों से शराब बिकवाई जा रही थी, महिलाओं से शराब, ये बीजेपी का चेहरा है। हमारे यहाँ शराब दुकान बंद होती है 9 बजे, ग्वालियर संभाग में 11:30 शराबबंदी की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे आप सरकार से हट के जनता को बोलिए कि हम शराबबंदी नहीं कर सकते।
चलिए और हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उनसे समय की कमी है। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उनसे बैठता था और आप ही बोलते थे कि सरकार शराब बेच रही है, सरकार शराबबंदी कब कराएगी, होनी चाहिए, हम आज आप उसी नीति पे भरोसा रखिए। एक मिनट में आप दोनों रोकना चाहूंगा, दो और मेहमान है हमारे साथ, उनसे उनसे चर्चा करते हैं जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विक्रम सिंघल के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि हमने हालांकि बहस जो है इस बात पर की थी कि क्या शराबबंदी एक समाधान है, चर्चा भटक मुद्दों से भटक रही है, पॉलिटिकल ज्यादा हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने तमाम उन राज्यों के बारे में पढ़ा है कि जहां पर शराबबंदी पहले लागू किया गया, बाद में वापस लिया गया, दो बड़े राज्य जहां पर शराबबंदी लागू है, वहां पर जो है ये समय समय पर सुनने में आता है कि कोई भी जाता है, बिहार जाता है, गुजरात जाता है, आसानी से शराब मिल जाता है, बढ़ी हुई कीमत पे मिलता है, छोटे तबकों को जो है जहरीली शराब की सप्लाई की भी शिकायत आती है। क्या आपका क्या मानना है, छत्तीसगढ़ में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और किस मॉडल का शराबबंदी यहां लागू होना चाहिए? देखिए, अभी तक जो बात है हमारे तमाम केवल मतलब देखिए, शराबबंदी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा समस्या है, ये केवल छत्तीसगढ़ या भारत तक सीमित नहीं है। जो वर्ल्ड बर्डन ऑफ डिजीज एंड इंजरी हम कहते हैं, उसमें 5% से ज्यादा तमाम जो इंजरी या चोट है और बीमारियां हैं, उनमें 5% से ज्यादा केवल शराब के कारण है। यंग एडल्ट्स में करीब करीब 14% मृत्यु का कारण शराब है। इन चीजों को देखते हुए ये बात बिल्कुल सच है कि शराब एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सच है कि किसी स्टेट के बस की बात मुझे नहीं लगती कि वह शराबबंदी कर सकती है। स्टेट से मेरा मतलब है राज्यतंत्र के लिए, राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। हमने ये देखा है कि जब जब शराबबंदी हुई है, मतलब इसकी मेरे को जो इतिहास में सबसे पहली शराबबंदी दिखती है वो अमेरिका के बनते ही, यूएसए के बनते ही 1791 की उनकी शराबबंदी दिखती है, उनकी विस्की टैक्स दिखती है, और उसके बाद की शराबबंदी, और उसके बाद लास्ट 1920 के दशक में दिखती है। हर बार हमने ये देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर अपराधीकरण हुआ है, माफिया का निर्माण हुआ है पूरी दुनिया में। मई में देश के महान चिंतक विश्लेषक, इस समय प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता की एक विशेष आर्टिकल में उन्होंने ये बात को बहुत बुरी तरह, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि ये जो आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, यूएसएसआर का पतन और पूरी दुनिया का अमेरिका के प्रभाव में आ जाना और उसके अंदर चले जाना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 1985 में मिखाइल गॉर्बेचोव द्वारा लागू की गई शराबबंदी मानी जाती है। कि शराबबंदी ने जिस प्रकार का सामाजिक उथल पुथल पैदा किया, जिस प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं पैदा की, उस चीज ने यूएसएसआर को धराशायी कर दिया। जीएसटी के आने के बाद किन्हीं सभी राज्यों के पास शराब और पेट्रोल, इन दोनों के अलावा और कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म बाकी नहीं रहा। ऐसे में पेट्रोल, क्योंकि उसमें मेजर हिस्सा सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस का रहता है और उसमें एक प्रभाव बहुत व्यापक तौर पर पड़ता है, तो जो भी फाइनेंशियल लचीलापन, जिसे हम कहते हैं वित्तीय लचीलापन, राज्यों के पास आज है, वो केवल एक्साइज का ही बचता है जो शराब का है। ऐसे में हड़बड़ी से शराब लेकर आने पर, शराबबंदी लेकर आने पर हमें दोहरा मार पड़ता है कि न तो वो सामाजिक बुराइयां दूर हो पाती हैं, जो क्योंकि शराब जसका तस मिलता है, बल्कि उसकी खपत हमने बढ़ते हुए भी देखा है हरियाणा में, खास तौर पे बंसीलाल जी के जमाने में, और राज्य को राजस्व का बहुत बड़ा हानि होता है। 6,000 करोड़ से 7,000 करोड़ का राजस्व हानि, उसे पूरा करने का जो फिस्कल स्पेस हम कहते हैं जीएसटी के बाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि 1,00,000 करोड़ के बजट में 6,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, उसकी घाटा को सहा जा सकता है, लेकिन उस 6,000 करोड़ को ओवरकम करने के लिए जो फाइनेंशियल, जो फिस्कल स्पेस चाहिए, वो जीएसटी के आने के बाद अब राज्य सरकारों के पास नहीं रही, जीएसटी के लागू होने के बाद। इन हालात में मुझे लगता है कि अगर हम शराबबंदी की ओर जाएं,
तो हमें ये इस चीज को पहले सुनिश्चित करना होगा कि शराब की एंट्री राज्य में कहीं से भी न हो सके, तभी हम करें, अन्यथा न करें। और यदि हम उसे सफलतापूर्वक कर पाए तो जो हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे वो इस 6000 करोड़ से ज्यादा होंगे, सरकार की हेल्थ बजट में कमी आएगी और जो डेली प्रोडक्टिविटी है लोगों की उसमें इजाफा होगा और हम इस घाटा को पूरा कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। बीपीएस नेताम साहब हैं, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर आदिवासी संस्कृति का हिस्सा शराब है और यहाँ पर आदिवासी परिवारों को 5 लीटर शराब बनाने की अनुमति भी दी जाती है। नेताम साहब, आपका क्या मानना है, ये जो शराबबंदी की बात सरकार ने कही है कि सरकार बनने के बाद शराबबंदी करेंगे, आदिवासी समाज का क्या रुख है इसको लेकर? देखिए, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे सरकार ने, सरकार बनते अपना जो घोषणा पत्र में 36 में से 24 वादे पूरे किए हैं बता रहे हैं, तो जैसे किसानों का कर्जा माफ किए और बिजली बिल हाफ ऐसा किए, उसी समय एक झटके से शराबबंदी लागू कर देते तो ये हो जाता लागू। और अब कमेटी बना के उसको लिंगाराम करने वाली बात है। ये निश्चित रूप से शराबबंदी होना, शराबबंदी हो जाने से लोग पीना बंद कर देंगे ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं से ला करके शराब पियेंगे। बिहार में भी लोग कहीं यूपी से, झारखंड से या दूसरे राज्यों से चोरी छिपे ला करके पी रहे हैं, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा स्रोत है, एक्साइज डिपार्टमेंट सरकार का एक बहुत बड़ा स्रोत है और उसको 6000 करोड़ ही तो आता है, ज्यादा कहाँ आता है। जितना भी आता है वो अब धीरे धीरे बंद करेंगे या एक झटके से बंद नहीं किया जा सकता। तो नहीं, जैसा कि हमने रिपोर्ट में दिखाया कि अचानक बंद करने के जो जो नुकसान है वो काफी डराने वाले हैं, कि यूथ बिहार में जो है काफी संख्या में यूथ जो है वो शराब तस्करी में लग गए, रोज 1000-2000 रुपए कमा रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, नशे के आदि हो रहे यूथ, तो फिर क्या मकसद तो हल नहीं हुआ ना शराबबंदी का। अब जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में जैसे बता रहे हैं कि घरेलू हिंसा बढ़ रही है और झगड़े हो रहे हैं घर घर में, ये बढ़ गया। अब मैं आता हूँ जहाँ तक आदिवासियों की बात है, तो आदिवासी क्षेत्र में ये अनिवार्य हो गया, अनिवार्य रूप से उसका सेवन करना इसलिए उनको आवश्यक लगता है क्योंकि उनके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, दिन भर रोजी रोटी के जुटाने में लगे रहते हैं और शाम को उनके पास और कोई जरिया रहता नहीं है, तो शराब के अलावा उनका मनोरंजन का साधन या समय बिताने के लिए कोई जरिया रहता नहीं। इसलिए अब 5 लीटर छूट जो दिया है उसकी आड़ में वो ज्यादा बनाते हैं, 15 लीटर बनाते हैं, कुछ पीते हैं कुछ बेचते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। अब बंद हो तो सभी के लिए पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हमने देखा कि आदिवासी समाज में भी शराब के कारण लोग निठल्ले हो जाते हैं, काम धंधा करते नहीं और अपराध भी वहाँ ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्से में आकर के लोग हत्या तक कर डालते हैं। तो ये बंद होने से सरकार को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि लोग जो है शराब पीने के बाद। नेताम साहब, समय की थोड़ी कमी है, क्योंकि कुछ तकनीकी फॉल्ट आ गया था जिसके कारण थोड़ा डिले भी हुए। तो कुल मिलाकर हमने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, हमारी टीम ने जो वहां पर अध्ययन किया था,
उससे ये साफ है कि जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे शराबबंदी के निर्णय लिए जाने के नुकसान बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार जो है वो बार बार कह रही है कि 3 कमेटियां बनाई हैं, कमेटियां अध्ययन कर रही हैं। बिल्कुल सबको समझना चाहिए कि साल भर से कोरोना के चलते कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहा है। 2 साल बीत गया, कमेटियों की एक रिपोर्ट नहीं आए हैं, है ना। और अच्छा साहब, साल भर से परिस्थितियां आप जानते हैं कि जी, तो अध्ययन के लिए तो बहुत समय था, सरकार को समय देना चाहिए। और जिस समय सरकार कमेटी में विधायकों का नाम क्यों नहीं दे रही है? ये तो सरकार चाहती है कि शराबबंदी मत हो रही है। भाजपा अगर शराबबंदी करना चाहती तो 15 साल सत्ता में थे आप लोग, किससे रोका था आप लोग को? भाजपा चाहती है कि शराब बिकती रहे, शराब की नदी बहती रहे। आपने डाल दिया अपने घोषणा पत्र में डाला थोड़ा टाइम, थोड़ा समय दे दीजिए डॉक्टर साहब। भाई कोरोना के समय डॉक्टर चोपड़ा नहीं मिल रही थी, कुल लोग मर रहे थे, कोई मरा, सब जिंदे थे, बढ़िया के लिए सब बेच रहे थे, बता रहे हैं। एक्सीडेंट बंद हो गए थे, मध्य प्रदेश से। देखिए कांग्रेस बहाना बना रही है, उसको शराबबंदी नहीं करनी है, अपनी जेब गर्म करनी है और कुछ नहीं है। जेब रमन सिंह गर्म कर रहे थे। चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा है। बात कीजिए आप, क्या रमन सिंह के मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में जुड़े। वापस चलते हैं स्टूडियो। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।